Hey guys, how are you? What's up? कैसे आप सब? I hope you are fit and fine. So this is Jatin, a 16-year-old 11th class student in front of you on this beautiful, amazing YouTube channel Jatin's Lecture. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. So guys, चलिए टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 और ये आखिरी क्वेश्चन है गाइस इस चैप्टर का. उसके बाद चैप्टर 9 की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी. सो आई एम वेरी मच प्रीटी एक्साइटेड अबाउट दिस. सो चलो जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं. देखिए कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक तो डायग्राम चीज करते हैं. कह रहा है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर है कि टॉप ऑफ द टावर से है. सो ए बी हमने टावर ले लिया. अब टू एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक तो है जो 4 मीटर पे है एंड जो पूरी सेकंड है वो है 9 मीटर पे. सो सी एंड डी ये चीज गिवन है, जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस एंगल ऑफ एलिवेशन. नाउ सम इज कॉम्प्लीमेंट्री. सो ये थीटा ले लेते हैं, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री. बस यही चीज है. चलो तो करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन R theta and 90 minus theta. ये चीज क्लियर है, इस क्लियर है. अब देखिए इन ट्रायंगल ABC, ABC ने AB upon BC किसके इक्वल होगा? इस थीटा के. कौन से? tan theta. कैसे आया? देखिए थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को लिख सकते हैं tan थीटा. अब AB की वैल्यू पता नहीं है, वो तो हमें प्रूव करना है कि ये 6 के इक्वल है तो हमें AB की वैल्यू 6 निकालनी पड़ेगी. सो अभी तो हमें पता नहीं है. BC की वैल्यू 4 है, इज इक्वल्स टू ये tan थीटा ही है. नाउ एंड इन ट्रायंगल, अब कंप्लीट ट्रायंगल लीजिए ए बी डी. ए बी डी ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू टेन 90 माइनस थीटा. थीटा कितना है? 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस. अब देखिए ए बी की वैल्यू नहीं पता, बी डी की वैल्यू कंप्लीट है 9 इज इक्वल्स टू टेन 90 माइनस थीटा. सॉरी टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कोट थीटा. लिखी चीज यहाँ पर कि कोट थीटा. अब सी ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन. सो ये दो इक्वेशन निकल के आए अपने पास. आइए आगे चलिए बाय मल्टीप्लाइंग वन एंड. अब देखिए हमें 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है अगर हमें 6 प्रूव करना है तो. सो गाइस इस पॉइंट को आप रिमेंबर कर लीजिए, थोड़ा याद रखना पड़ेगा दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई दीस टू इक्वेशन फॉर सॉल्विंग फर्दर. अब कर दीजिए मल्टीप्लाई. LHS विद LHS होगा AB / 4 * AB / 9 इज इक्वल्स टू tan थीटा * cot थीटा. ये चीज है. अब cot थीटा को लिख सकते हैं गाइस हम 1 / tan थीटा और tan से tan कैंसिल. सो बचा 1. यहां पर कर रहा हूं देखिए अब AB मल्टीप्लाई AB, AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर हो जाएगा हां बाय 9 4 जा और 4 9 जा 36 इज इक्वल्स टू tan से tan कैंसिल बचा 1. सो AB इज इक्वल्स टू 36, सॉरी AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36
सो स्क्वायर रिमूव करेंगे तो उधर जाकर अंडर रूट 36 विच इज इक्वल्स टू 6 मीटर। अब देखिए गाइस, एबी की वैल्यू कितनी आई अपने पास है 6 मीटर, और एबी क्या है, हाइट ऑफ द टावर, और प्रूव करना था हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। देख लीजिए सेम है ना, एग्जैक्टली। सो हेंस प्रूव्ड। हो गया गाइस, ये भी कोई क्वेश्चन था, प्रीटी सिंपल, बाएं हाथ का खेल है क्योंकि राइट हैंड में तो अपने लगी हुई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बस इतना सा सिंपल क्वेश्चन था, नथिंग इज सो हार्ड इन दिस, मतलब पेपर तो मैं टेंशन ले गया। सो आई होप आपको क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। And my personal Instagram link is also provided below in the description box. From there, you can directly contact to me. So, okay, bye bye guys. Milte hain next video mein. Till then, bye bye. Stay healthy, stay safe. Okay, bye bye guys. Milte hain next video.